बनाएंगे चिकन पनीनी ब्रेड। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1/2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट और 1/2 टीस्पून नमक या स्वादानुसार नमक। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटे को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे गुनगुना दूध और एक स्टिकी डो बनाएंगे। इतने मिश्रण के लिए हमें 3/4 कप दूध लगा है। अभी इसे हम 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से चिकना कर लिया है। अभी हम इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे, कवर करके रखती हूँ। बनाएंगे पनीनी ब्रेड के लिए स्टफिंग। उसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर लिया है। इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर और कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने लिए अदरक पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, लहसुन का पाउडर 1 छोटा चम्मच, व्हाइट पेपर पाउडर 1 चम्मच। यहाँ पर मैंने लिया है पेपरिका पाउडर, इस तरीके से मार्केट में अवेलेबल है। मैंने लिया है 1 टीस्पून और भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून और स्वादानुसार नमक डालेंगे। सारे मसाले हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आप चाहिए तो इसे 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए रेस्ट दे सकते हो, मैं इसे जल्दी से बना रही हूँ। मैंने पैन रखा है, इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑयल। इसे अच्छी तरह से गर्म होने देना है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। चिकन को 15 से 20 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे तेल के अंदर। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक पका लिया है। अभी ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, अच्छी तरह से कट हो रहा है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1 प्याज, बारीक प्याज लंबा कटा हुआ, और 1 लंबी कटी हुई शिमला मिर्च। अभी हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक। हमें ये स्टफिंग सैंडविच के लिए बना रहे हैं, पनीनी सैंडविच के लिए, तो प्याज और शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा क्रंची रखेंगे। ठीक है, हमें 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अभी गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। 1 घंटा ज़्यादा हो गया है, अभी हम आटे को चेक करते हैं। बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है तो अभी हम इसे बाहर निकालेंगे। यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इस आटे को हम निकालेंगे, का रोल बनाएंगे। और इसे इसमें कट कर लेंगे। और इस तरीके से हम इसके गोले बनाएंगे, पेड़े बनाएंगे। सभी आटे के हम पेड़े बना कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके 8 पेड़े बना कर लिए हैं। अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करके इसे हम ओवल शेप में बेलेंगे, इस तरीके से। और यहाँ पर रखते जाएंगे। और कपड़े की सहायता से इसे हम ढक लेंगे, इसे अभी फूलने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम बाकी सारे बना कर लेते हैं, इसे हम 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। घंटा हो चुका है, हम देखते हैं ब्रेड बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं, तो अभी हम इनको तवे के ऊपर बेक करेंगे। तवा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम सारे ब्रेड डाल देंगे। अभी धीमी आंच पर इसे हम बेक करने के लिए रख देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से बबल्स आ चुके हैं, तो हम इसे पलटी करके देखते हैं। वाह, बहुत अच्छा कलर आया, सभी को पलटी करेंगे। और दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, धीमी आंच पर हमने दूसरी तरफ भी सेक लिया है। ये देखो बहुत अच्छी तरह से सेक चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इनको अभी हम बाहर निकालेंगे और इसी तरीके से हम सारे ब्रेड बना कर लेंगे।
इनको भी हम धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक सेक लेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सेक लेंगे ब्राउन होने तक। सारे ब्रेड बनकर तैयार है, ब्रेड ठंडे हो रहे हैं तब हम सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 से 3 टेबलस्पून मेयोनीज, उसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप और 1 टेबलस्पून डालेंगे रेड चिली सॉस। अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब ये सॉस बनकर तैयार है। यहाँ पर हमारे ब्रेड सारे ठंडे हो चुके हैं तो इसे हम कट करेंगे, तो इसे मैं बीच में से कट करती हूँ। इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है, इसी तरीके से हम दूसरा भी कट करके लिया है। इसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे। इसके ऊपर हम ये चीज़ स्लाइस है इसे डबल करके रख देंगे। और जो हमने चिकन की स्टफिंग बनाई है वो इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर हम और एक चीज़ स्लाइस रखेंगे और इसके ऊपर ये ब्रेड का दूसरा पार्ट रख देंगे। गैस पर मैंने ग्रिल पैन रखा है, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप सादे वाले पैन के ऊपर भी इसे बेक कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो घी या बटर भी लगा सकते हो। ब्रेड रख देंगे इसके ऊपर, इसे अच्छी तरह से दबा लेंगे। 2 सेकेंड तक हम इसे धीमी आँच पर इसे बेक होने के लिए रख देंगे, सेक लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसे पलटी करके देखते हैं। वाह, बहुत अच्छा कलर आया। 2 मिनट हो चुके हैं तो ये दूसरी तरफ भी बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है, और चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अभी इसे हम बीच में निकालेंगे। एक ब्रेड को मैंने बीच में से कट करके सैंडविच बनाकर दिखाया है। अभी हम क्या करेंगे, अगर आपके ब्रेड फ्लैट है या अगर आपको सैंडविच बहुत बड़ा बनाना है तो इस तरीके से हम 2 ब्रेड लेंगे और एक के ऊपर एक रखकर इसका सैंडविच बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे सॉस लगाएंगे। ये मैंने पूरा ब्रेड लिया है, इसके ऊपर हम ये स्टफिंग भर देंगे। इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ स्लाइस, उसके ऊपर भी हम सॉस लगाएंगे इस तरीके से, और इसे इसके ऊपर रखकर तवे के ऊपर रख देंगे। इसे मैंने और एक ब्रेड बना कर लिया है। तवे को अच्छी तरह से गर्म करके इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अभी ये जो ब्रेड बनाए हैं ये इसके ऊपर रख देंगे और एकदम गैस की फ्लेम को धीमा रख के इसे हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। 2 मिनट तक मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से एक फ्राई कर लिया है। प्रेस करने से क्या होता है कि ग्रिल के बहुत अच्छे निशान दिखाई देते हैं, तो अभी हम इसे पलटी करेंगे। वाह, दोनों तरफ हमने 2-2 मिनट तक अच्छी तरह से इसे बेक करके लिया है, फ्राई करके लिया है। अभी इसे हम डिश में निकाल कर लेते हैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर। तरीके से हमारे चिकन पनीनी ब्रेड बनकर तैयार है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।